अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इशूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर सैदी की बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसका 20th चैप्टर जो है जो कि सोशल सेक्टर के ऊपर बेस करता है, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जेंडर और एनवायरनमेंट, एनजीओस, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस की बात की गई है। ठीक है, उसका हम पार्ट टू करेंगे। जो हमने इससे पिछला लेक्चर किया था पार्ट वन, उसके अंदर हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को डिटेल में देखा था कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सो मोर और लेस ये जो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, जेंडर, इन्वायरमेंट, ये सब भी पार्ट हैं मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स का। और अब स्पेसिफिकली अब अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो ये पार्ट हैं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हमें टॉक शोज़ में या डिफरेंट न्यूज़ में इसके बारे में बात करने को मिलती है। ठीक है, हमें पता चलता है कि इसके बारे में बहुत सी न्यूज़ आ रही होती हैं, कॉलम्स आ रहे होते हैं, आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर जेंडर बेस्ड इक्वालिटी के ऊपर। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे हम इसकी करंट सिचुएशन जो है वो भी बताएंगे कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, और हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि वुमेन्स को बेसिकली क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस हैं, उनके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, और फिर हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बताएंगे कि वुमेन को मज़ीद एम्पावर किस तरह से किया जा सकता है और क्या बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ ताकि वुमेन या जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है इकॉनमी में प्रिवेल कर रही, वो उसको डिक्रीज किया जा सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड वुमेन। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी में फीमेल्स को जो है हमें पता है कि इक्वल एक्सेस टू जो सोशल सेक्टर है वो अवेलेबल इतना नहीं है। ठीक है, जितना कि मेल्स को, मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके, उनको एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू डिफरेंट सोशल सर्विसेज, ठीक है, उनको ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। लेकिन एज़ फार एज़ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वुमेन आर रेफर टू सॉफ्टर सेक्टर्स। वुमेन अगर तो फर्स्टली तो उनको लेबर पार्टिसिपेशन के अंदर जो है वो एंटर होने की परमिशन नहीं होती, और अगर वो आती भी हैं तो उनको कहा जाता है कि ये जो है मैनेजेरियल पोस्ट या डिफरेंट जो लेबर ओरिएंटेड काम हैं, ठीक है, उनको नहीं कर सकती, बल्कि सॉफ्टवेयर सेक्टर की तरफ उनको शिफ्ट किया जाता है। दैट दे वुड नॉट बी फाइंड एनी चैप्टर ऑन, इसी वजह से हमें जो है आपको कभी भी किसी बुक में मेल्स के ऊपर या मैन के ऊपर चैप्टर जो है नहीं मिलेगा। हमेशा हमें फीमेल्स के ऊपर या वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसकी ही बात करने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि वुमेन्स जो हैं वो डिप्रिवेशन का शिकार हैं। ठीक है, मैन हैव कॉन्स्टिट्यूट द रियल इकॉनमी, क्योंकि मैंस जो हैं हम यही समझते हैं या डिवेलपिंग नेशंस जो हैं उनमें यही समझा जाता है कि मैन जो हैं वो ही ओवरऑल इकॉनमी को रन कर रहे हैं। तो हम इसको पेट्रियार्कल जो कहते हैं अपना पेट्रियार्कल सोसाइटी भी हो सकती है ये। ठीक है, मैन हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री व्हाइल फीमेल्स आर लेफ्ट फॉर डोमेस्टिक जॉब्स। ठीक है, हम सबको ये बात भी पता है कि फीमेल्स को सिर्फ कहा जाता है कि आप घर संभालें, बच्चे संभालें, ठीक है, आपका मेजर जो फोकस है वो आपकी फैमिली या फिर आपका घर होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में इतनी पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मेल्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडस्ट्री में काम कर सके, वो लेबर फोर्स में जा सके, ठीक है, और आर्मी में जा सके और डिफरेंट तरह के जितने भी सोशल और इकोनॉमिक हमारे सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, ताकि ओवरऑल जो कंट्री की इकॉनमी है वो बूस्ट कर सके। मोस्ट ऑफ द डिवेलपिंग वर्ल्ड हैव अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रियार्कल डोमिनेंस। ठीक है, अब ये जो पेट्रियार्कल डोमिनेंस होती है कि मेल ओरिएंटेड इकॉनमी जो होती है, ठीक है, जहाँ पे मेल्स को ज़्यादा पावर दी जाती है ओवर द फीमेल्स, तो ऐसी करेक्टरिस्टिक जो है तकरीबन हमें तमाम जितने भी डिवेलपिंग नेशंस हैं उनके अंदर मिलती है। ठीक है, ये एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक है तमाम डिवेलपिंग नेशंस की कि वहाँ पे पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो प्रिवेल करती है। फीमेल्स के को ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ज़्यादा, ना ही जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ पेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ डोमेस्टिक चोर्स जो हैं उनके लिए
रखा जाता है कि आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि अनलाइक डेवलपिंग डेवलप्ड नेशंस हैव डिस्कवर्ड द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट। ठीक है, अब काफ़ी पहले तकरीबन 2010 से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, और साथ जो एडिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडिंग इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये सा इन सब ने कलेक्टिवली जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और वुमेन इन डेवलपमेंट WID जो है के नाम से इन्होंने एक जो कंपेन है या एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसमें वुमेन को इंक्लूड करवाना डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, उसको इनिशिएट करवाया। वुमेन्स आर द कॉर्नर स्टोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, वुमेन्स को कंसिडर ये किया जाता है कि वो एक कॉर्नर स्टोन है ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, वो किस तरीके से कॉर्नर स्टोन है, क्योंकि बेसिकली जब एजुकेटेड मदर्स होंगी तो वो ऑब्वियसली एजुकेटेड चिल्ड्रंस को अपब्रिंगिंग देंगी। कुछ स्टैटिस्टिक्स तौर से देखते हैं कि अगर 1989 में जो है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं टू पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि हम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, हम लोअर इनकम कंट्री हैं और हम मिडल तक क्यों नहीं पहुंच रहे, उसकी बेसिकली रीज़न ये उन्होंने बताई कि आप अंडर डिवेलप हैं इन इट्स पीपल। ठीक है, अपने लोगों के लिए अंडर डिवेलप्ड हैं, बेसिकली आप में जेंडर जो इक्वालिटी है वो प्रिवेल नहीं करती, और पर्टिकुलरली वुमेन के केस में आपके पास अंडर डिवेलपमेंट है, आप डिवेलप्ड वुमेन्स जो हैं वो ब्रिंग नहीं कर पा रहे और अपनी वुमेन जो हैं उनको पार्टिसिपेट अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं करवा पा रहे, क्योंकि इकोनॉमी का मोर देन 0.5% जो है हमारा वो पॉपुलेशन का फीमेल्स हैं। ठीक है, तो अगर वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। फिर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन विल बी असेंशियल टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, उन्होंने ये भी रिपोर्ट में कहा कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स के लिए इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत एक ज़रूरी होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करने के लिए, क्योंकि जब एजुकेटेड मदर्स होंगी तो ऑब्वियसली वो मोर चिल्ड्रंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको समझेंगी और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगी। वुमेन स्टेटस इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ करते हैं हम अपना, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन्स का क्या स्टेटस है और डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं उनके उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन परसेंट अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फीमेल्स की जो ओवरऑल पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो 46% है और साउथ एशियन कंट्रीज़ में 48% है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 25% है फीमेल्स का और साउथ एशियन कंट्रीज़ में 30% है। ठीक है, नेट प्राइमरी इनरोलमेंट अगर हम देखते हैं तो वो पाकिस्तान में 62% है और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर 72% है। लेबर फोर्स अगर हम देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो पाकिस्तान में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स की सिर्फ 29% है जो कि लेस देन 1/4 है। ठीक है, सो साउथ एशियन कंट्रीज जो है उसके अंदर अगर हम लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन देखें तो वो 33% है, हमारे से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की तो 62% है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और साउथ एशियन की मोर और लेस हमारे से सेम ही है 63%। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं जेंडर रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर देखें तो हमारी पाकिस्तान में 0.47 है और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये 0.51 है। ठीक है, इसी तरह से अगर जेंडर एम्पावरमेंट मैयर यानी GEM देखें तो पाकिस्तान में जेंडर एम्पावरमेंट मैयर जो है वो उसकी वैल्यू 1.17 है और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर 0.23 है। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस यानी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स या फिर जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जिनके इनरोलमेंट नहीं है स्कूलिंग में, उनकी पार्टिसिपेशन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 54% है, ठीक है, और साउथ एशियन कंट्रीज में 59% है। फीमेल GDP पर कैपिटा अगर देखते हैं तो 29% है पाकिस्तान में और साउथ एशियन कंट्रीज में 39% है। टेबल हमें ये बताता है कि जितने भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमने एनालाइज किए, अभी हमने देखा जो स्कूल पार्टिसिपेशन देखी, हमने लिटरेसी रेट देख लिया, हमने प्राइमरी नेट इनरोलमेंट देखी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखी, ठीक है, अडल्ट फीमेल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने देखा, पॉपुलेशन परसेंटेज देखी, सारे इंडिकेटर्स सोशल जितने भी हैं
सोशो इकोनॉमिक, इनमें पाकिस्तानी जो वुमेन्स हैं वो वर्स ऑफ है देन साउथ एशियन वुमेन्स, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज से वो कम है और साथ साथ अपने जो काउंटर पार्ट हैं यानी मेल काउंटर पार्ट हैं उनसे भी वर्स ऑफ है। प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेट ऑफ फॉर गर्ल्स आर अमंग द 10 लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हम प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट देखें, 10 लोएस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर हमारी जो सिचुएशन है वो आती है कि हम उनके अंदर प्रिवेल करते हैं हमारा स्टेटस के हमारी प्राइमरी रोल जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है। इसे इसके साथ साथ अगर इल हेल्थ एंड प्रीमेच्योर डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, 29% जो हमारी लेबर फोर्स है वो वुमेन के ऊपर बेस करती है जो कि बहुत एक लिमिटेड सी अमाउंट है। कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है, वुमेन को हम क्यों बेसिकली अपने साथ जो है इन्वॉल्व नहीं करवा पा रहे, हमारी इकोनॉमी में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। एजुकेटिंग वुमेन हैव सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबको पता है कि अगर आप वुमेन को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इम्प्रूव करवा इन्वॉल्व करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव होगी। अब एजुकेटेड मदर्स जो हैं वो ये एक स्टडी की गई और देखा गया कि जो एजुकेटेड मदर्स के चिल्ड्रन थे, ठीक है, उनके ऊपर उन मदर्स की एजुकेशन का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था, ठीक है, और उससे उनकी जो पब्लिक हेल्थ थी वो भी इंक्रीज हुई, माल न्यूट्रिशन उनकी इंक्रीज है और साथ साथ वेल नरिश्ड हैं बेसिकली वो जो चिल्ड्रन एजुकेटेड मदर्स के चिल्ड्रन वेल नरिश्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और साथ साथ उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो बेहतर तरीके से हुई है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड मदर्स के। डिमांड और सप्लाई जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं द लो लिटरेसी रेट फॉर वुमेन, क्योंकि जब भी लेबर जब भी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी फीमेल जाती हैं या और जो मेरिट पे एक्चुअली जो है वो फैसला नहीं किया जाता बल्कि जेंडर बेस्ड भी इसमें डिसीजन होता है कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर फीमेल्स इन जॉब पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स को जो है वो लो इनकम के ऊपर भी हायर कर लिया जाता है, लो पेड जॉब्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए रखी जाती हैं ताकि क्योंकि वो ये समझा जाता है कि हम फीमेल्स जो हैं वो एक्टिवली मैनेजेरियल पोस्ट जो हैं वो नहीं संभाल सकती। ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन डिमांड फॉर एजुकेशन इंक्रीज, ठीक है, अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, और साथ साथ मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अडॉप्ट करते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है। एज इनकम लेवल्स इंक्रीज, जैसे जैसे अब कंट्री इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसकी तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो उसका मतलब है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी फॉर एजुकेशन जो है वो इंक्रीज होगी और स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज होगी, वरना लोग जो फीमेल्स को एजुकेशन क्यों नहीं दिलवाते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर हम आज इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर तो जो है वो हमें इनसे फ्यूचर में कोई भी रिटर्न नहीं मिल सकेगा। एज कंसर्न विद अगर हम देखें मेल्स को, ठीक है, या सन्स जो होते हैं उनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रूरल प्लस अर्बन एरियाज बोथ, ठीक है, बट देर आर स्टिल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स इन पाकिस्तान फॉर एजुकेटेड वुमेन्स, ठीक है, तो लेकिन हमें फिर भी अभी भी पता लग रहा है या अभी भी हम जो डाटा देखते हैं हमें उससे अंदाज़ा होता है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट है अभी भी हमारी, बेशक पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हुई है, अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, अवेयरनेस भी आई है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हैं वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन भी आ रही है, लेकिन उसके साथ उसके बावजूद हमारे पास सप्लाई फॉर लिटरेट फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। करंट सिचुएशन पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखें अगर पॉपुलेशन वाइज वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है यानी ओवरऑल पॉपुलेशन में से वुमेन का पोर्शन 48.54% है। फीमेल लिटरेसी रेट देखते हैं तो 47% फीमेल जो हैं पाकिस्तान में ओनली लिटरेट हैं, ठीक है, बाकी इलिटरेट हैं, ठीक है, और लिटरेसी में भी सिर्फ वो लोग लिटरेट होते हैं जो कि इजी वर्ड्स को पढ़ और जो लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर आप हाई एजुकेशन की बात करें तो प्रोपोर्शन और ज़्यादा वर्स है इसमें।
उसके बाद पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स अगर देखते हैं तो 20% लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ओवरऑल पॉपुलेशन में से, जितनी फीमेल्स हैं उनमें से 20% जो पॉपुलेशन फीमेल्स की है वो लेबर फोर्स के अंदर है। फाइंडिंग सम ऑप्शंस, ठीक है, अब ये सारे तो हमने मसले देख लिए, ठीक है, आपके पैट्रियार्कल इकॉनमी है, हमारी अंडर डेवलपमेंट और या अनट्रांसफॉर्मेशन जो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे इकॉनमी में, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये सारे तो हमने देखी, लेकिन अब कुछ इसकी रेमेडियल मेजर्स वगैरह भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम जो है वो इन पॉलिसीज बनाते हुए इनको कंसीडर करें। सबसे पहला तो ये है कि एम्पावर द वुमेन एट गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल के अंदर ऊपर फीमेल्स को एम्पावरमेंट बेसिकली मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रोविजन ऑफ पेड जॉब एट रूरल एंड एज वेल एज एट अर्बन एरियाज, हमने देखा कि रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स जो हैं वो काम तो करती हैं अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ, लेकिन उनको पेड जॉब्स नहीं है उनकी वो, ठीक है, उनको कोई उसके बदले में कोई पैसे वगैरह जो है इनकम नहीं दी जाती। सो वुमेन्स को जो पेड अगर आप जॉब देंगे तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होके और काम करेंगी या और मजीद अपनी जो एबिलिटीज हैं वो इस्तेमाल करेंगी। फिर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, जो फीमेल्स कोई स्मॉल बिजनेस रन करना चाहती हैं, SME रन करना चाहती हैं, सो उनको फाइनेंशियल सर्विस की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी बिजनेस में आते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल आपके पास कुछ अमाउंट या कुछ होनी चाहिए, कोई एसेट जो कि आप यूज़ कर सकें, सो फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स टू मोटिवेट फॉर स्कूल एनरोलमेंट, ठीक है, आप ऐसे इंसेंटिव्स दें कि ताकि फीमेल्स को जो ओवरऑल पेरेंट्स एज वेल एज जो फीमेल्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो स्कूल में एनरोल भी हों और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट भी करें, सस्टेन भी करें बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। सो उन इंसेंटिव्स में क्या हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो सकती है, यूनिफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी, बुक्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, सो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करके एट गवर्नमेंट लेवल, तो फीमेल्स पार्टिसिपेशन इन नेट स्कूल एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मेरिट एंड जस्टिस, ठीक है, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मेरिट बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ फीमेल जो जॉब्स फीमेल के लिए कुछ डिसाइड कर दी जाएं और कुछ फीमेल्स के लिए, यानी सेग्रीगेशन इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फीमेल बेसिकली मेरिट बेस्ड जो है वो सिलेक्शन होनी चाहिए और साथ साथ जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, ठीक है, आप कोटाज वगैरह भी जो होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के लिए अलग कोटा है हर चीज़, लेकिन उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। अब हम मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमने क्या किया कि फीमेल्स का या वुमेन डे मनाना भी स्टार्ट कर दिया, 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्लोगन्स होते हैं ताकि फीमेल्स को मजीद एम्पावरमेंट मिल सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।